My name is Shivani Gupta. I'm 22 years old and I'm from New Delhi. And I'm a certified trainer, professional certified trainer, right? And my category, bikini fitness model. Actually, मैं जब 8 साल की थी तब से ही मतलब माई फादर कुछ बनना चाहते थे कि लाइफ में स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाना चाहते थे, बट वो पेरेंट अपनी फैमिली की वजह से नहीं जा पाए. तो उन्होंने जो सपना देखा था वो जब मैं हुई तो मेरे बिहाफ पे, मेरे हिसाब से कि मेरा बच्चा जो होगा वो बढ़ेगा आगे स्पोर्ट्स में, उनका जो सपना था वो उन्होंने मेरे थ्रू देखा. तो मैं जब 8 साल की थी तब से वो चाहते थे कि मैं वॉलीबॉल खेलूं, क्योंकि उनका करियर था कि उनको वो चाहते थे कि मैं एक वॉलीबॉल इंटरनेशनल प्लेयर बनूं, बट वो नहीं बन पाए कुछ फाइनेंशियली दिक्कतों की वजह से. सो मैंने 8 साल की उम्र से स्टार्टिंग की थी अपनी वॉलीबॉल जर्नी की. देन उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स में अपना करियर काफ़ी लेवल तक लेकर गई, मैंने नेशनल तक खेला. जब मेरी इंटरनेशनल का टाइम था, इंटरनेशनल में खेलने जा रही थी बाहर, तो मैंने वैसे इंटरनेशनल लेवल भी खेले हैं कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, और सिंगापुर और ये श्रीलंका मैंने जाके खेला है कॉम्पिटिशन. देन उसके बाद जब मैंने, मेरा एक कॉम्पिटिशन था सिंगापुर में, एंड वहाँ पर हमारा क्या होता है, हमें दिल्ली में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए. मतलब आप 4 मंथ आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हो वॉलीबॉल की, हमारे हाथ, हमें इतनी इंजरीज होती हैं, हमारे कभी क्रैक ये वो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बट हम प्रैक्टिस हमारी 12 आवर्स रहती है, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं. नाउ मेरा लास्ट कंपटीशन था जब मैं 18 ईयर्स की थी, तो मेरा कंपटीशन था. उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ जो मैंने ये फील्ड छोड़ दिया, मैंने प्रैक्टिस की थी 2 मंथ्स रेगुलर और मेरा इंटरनेशनल का सिलेक्शन होने जा रहा था. नाउ मेरे साथ पॉलिटिक्स बहुत होती है, हमारे इंडियन स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है कि जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस का कुछ ना कुछ आ ही जाता है. उस टाइम मेरे को प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि आप थोड़े पैसे दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा. मैं वैसे भी बहुत अच्छी एथलीट थी, मुझे इतना ट्रस्ट था अपने ऊपर कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी, क्योंकि मैं और भी कॉम्पिटिशन्स में सिलेक्ट होती आ रही हूँ, ठीक है. बट नाउ द एंड आप पैसे दो, आपको फिज़िकली कभी कोई कुछ ना कुछ होता ही रहता है, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है. सो मैंने वहाँ पर अपना वॉलीबॉल स्किप कर दिया, छोड़ दिया वहीं से, मतलब मैं टूट चुकी थी प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पॉलिटिक्स होती है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कुछ भी कर लो, नाउ द एंड आपका क्या होता है, पॉलिटिक्स की वजह से आपका करियर बर्बाद हो जाता है, पैसा आ जाता है, फाइनेंस दिक्कत. मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी फाइनेंसली, मैंने जो भी किया, जितना भी वॉलीबॉल में आगे आई, मैंने हमेशा अपनी मेहनत के काबिलियत से ही आगे आई. धीरे मैंने एक जिम ज्वाइन किया. जिम ज्वाइन करने के बाद मेरे को हैबिट थी, क्योंकि हम वॉलीबॉल खेलते थे तो हम 12-12 घंटे 10-10 घंटे प्रैक्टिस करते थे पिच पे, तो हमें आदत थी कि जब मैं जिम गई तो वहाँ पे देख रही हूँ लोग 1-2 घंटा कार्डियो रनिंग ये सब करके चले जाते हैं. मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होती. मैं 3-4 घंटे जिम में वर्कआउट करती थी और लोग मुझे देखते थे कि लड़की इतना वर्कआउट करती है, मतलब इतना ज़्यादा कैसे कर लेती है. तो मुझे वहाँ मेरे एक सर मिले, विशाल चौधरी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इतना अच्छा करते हो, आपका इतना अच्छा स्टैमिना है, तो आप इसे अच्छी जगह लगाओ, मतलब आप कंपटीशन खेलो और आप आगे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो. फिर मेरे को एक रास्ता मिला वहाँ से कि मैं कुछ कर सकती हूँ. दोबारा से मेरी उम्मीद जगी कि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, वो चाहे वॉलीबॉल के थ्रू हो, चाहे वो मैं इस फील्ड में आके मैं कुछ अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ. तो उन्होंने जो मुझे सिखाया, उस टाइम मेरे को कुछ नहीं पता था, ए भी नहीं पता था फिटनेस इंडस्ट्री का,
देन धीरे धीरे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। एवरी डे मैंने पहला कॉम्पिटिशन और बिना प्रोटीन के खेला था। मिस दिल्ली YMC गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं। मेरा पहला कॉम्पिटिशन 2019 में हुआ था और 2019 के मेरे एक दो और टाइटल्स थे। मेरे पास प्रोटीन के भी पैसे नहीं थे। सीरियसली मेरे पास मैंने घिया चने की दाल ये खा के कॉम्पिटिशन खेला है। और उन्होंने मेरे से कभी ये नहीं बोला कि तुम प्रोटीन लो, तुम ये लो वो लो, नहीं। उन्होंने कहा आप अपने घर की डाइट से ही कॉम्पिटिशन खेल सकते हो। और मैंने खेला भी और मैंने गोल्ड भी मारा। धीरे धीरे YMC खेला, सपोर्ट मिलता रहा फैमिली से। पहली बात ये आती है बिगनी। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें बिगनी पहननी होती है। मैं बिगनी एथलीट हूँ, फैमिली को कैसे मनाया, मतलब मेरे 4 से 5 महीने इसी में लग गया कि मैं अपनी फैमिली को मनाऊँ कैसे बिगनी के लिए। मैंने बिगनी के लिए अपने पापा को बोला कि पापा ऐसा ऐसा है और मुझे इस फील्ड में ये पहनना पड़ेगा। पापा कहते हैं हो ये सब नहीं, मम्मी कहती हैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो दिखाया मम्मी पापा को ले जाके कि मम्मी पापा ये कॉम्पिटिशन है, यहाँ पर ऐसा होता है। मम्मी पापा ने कहा बिल्कुल भी नहीं खेलना। तो मैंने छुपके एक कॉम्पिटिशन खेला, मैंने बताया नहीं पेरेंट्स को। मैंने छुपके एक कॉम्पिटिशन खेला और मेरी सिस्टर को पता था। मेरी सिस्टर ने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरी सिस्टर और मेरे सर हमेशा मेरे साथ रहे। उन्होंने कहा ठीक है खेलो। मैंने खेला, उसके बाद मैं वहाँ पे पहला कॉम्पिटिशन मेरा गोल्ड आया और मेरी सिस्टर बहुत खुश। मैंने फिर उस टाइम अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं जीत गई हूँ, मैंने खेला है और मैंने बिगनी पहनी। मेरे पापा ने यही सिखाया है जब मैं वॉलीबॉल भी खेलती थी और आज जब मैं इस फील्ड में हूँ तब भी। मेहनत करोगे आगे जाओ, हमेशा अपना ध्यान रखना, यही बोला राइट। मैंने मिस YMC खेला, गोल्ड मेडलिस्ट रही। फिर मैंने मिस एशिया खेला, उसमें मेरी 3rd प्लेस आई। फिर लॉकडाउन हो गया, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स ये वो। मैंने मिस एशिया के बाद सेरो क्लासिक भी खेला था बट उसमें मेरा कोई पोजीशन नहीं आई थी, मैं टॉप 10 में ही थी बस। ठीक है, देन उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद मैंने एक और कॉम्पिटिशन खेला, विजया क्लासिक, उसमें मेरा गोल्ड आया। मैंने कम बैक किया, उसमें मेरा गोल्ड आया और नाउ अब रनिंग में मैं दोबारा से सेरू क्लासिक खेलने जा रही हूँ जुलाई वाला। एक्चुअली जब मैंने सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन लिया देन उसके बाद मैंने एक जिम में जॉब किया। पहले तो मैं नॉर्मल ट्रेनर थी, जनरल ट्रेनिंग देती थी। धीरे धीरे मैंने पर्सनल PTs देनी स्टार्ट करी ऑफलाइन, जिम में PTs देती थी, वहाँ से मेरे को थोड़ा अर्निंग होता था। देन उसके बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी मैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रही। धीरे 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 मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हुए। ठीक है, नाउ आज के टाइम पे मेरे 1,30,000 समथिंग करके फॉलोअर्स हैं मेरे। ठीक है, तो मैंने वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करा ऑनलाइन ट्रेनिंग, धीरे धीरे नॉलेज देने स्टार्ट करी कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। देन उसके बाद मैंने वहाँ से ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक प्लेटफॉर्म की तरह एक यूज़ करा और वहाँ से मेरे को अर्निंग होनी स्टार्ट हुई ऑनलाइन ट्रेनिंग की। लॉकडाउन हो गया तो मैं जनरल ट्रेनिंग तो दे नहीं सकती थी बट मैंने अपने सोशल मीडिया को यूज़ करके वहाँ से मैंने नॉलेज की हर एक चीज़, मतलब आप पर्सनल PT ले लो, पर्सनल ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लो, डाइट चार्ट, कंसल्टेशन, लाइफस्टाइल आपका चेंज कैसे करना है और बिगनी पोजिंग जो मेरी फील्ड की है वो मैं देनी स्टार्ट कर दी। तो वहाँ से मेरे को धीरे धीरे अर्निंग सोर्स अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप इस फील्ड में पैसा ही खर्च कर रहे हो, आपको अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप एक अच्छे लेवल के आप सर्टिफाइड ट्रेनर हो तो आपको उस अर्निंग का सोर्स भी काफ़ी अच्छा है। इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, कमाने का भी बहुत अच्छा, मतलब मैंने आज तक में आज पहले मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, प्रोटीन पीने के लिए भी नहीं होता था जैसे मैंने बताया। आज के टाइम पे कितनी सारी ब्रांड्स हैं, डिवाइन न्यूट्रिशन साहिल खान की एंड आपका माई प्रोटीन एंड पिंटोला पीनट बटर, माई फिटनेस एंड क्लोथिंग का क्लोविया स्लीवलेस एंड बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो मुझे आज के टाइम पे बेटर कोलैबोरेशन देती। अभी मैं द हाइप द जिम में ट्रेनिंग देती हूँ, ठीक है, जनरल ट्रेनिंग देती हूँ एंड PTs भी देती हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक ऐसा है कि ऑनलाइन PTs के लिए मैंने एक अपना ऐप है मेरा ऑनलाइन माय रियल फैंस करके,
आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ पे लिंक मेंशन है, देन मैं वहाँ पे भी, जैसे बाहर के लोग जो होते हैं, किसी को कंसल्टेशन करना होता है, किसी को पूछना होता है अपनी फिटनेस से रिलेटेड की, किसी को कोई इशू, मेडिकल इशू होता है, तो आप मेरे ऐप पे जाके पूछ सकते हैं। आप वहाँ पे करना होता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि मैम ऐसा क्या है, कुछ भी आपका कोई भी इशू हो फिटनेस से रिलेटेड, कुछ भी इशू आप वहाँ पे मेरे ऐप पे जाके पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पैसे लेती हूँ, जो इंटरेस्टेड है प्रोफेशनली इस फील्ड में आने के लिए, तो मैं उनको पूरे डेडिकेशन के साथ जो करना चाहते हैं मैं उन्हें फ्री में भी ट्रेनिंग दूंगी, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, शिवानी गुप्ता 3567 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ जाके मुझे DM करो कि आप प्रोफेशनली इंटरेस्टेड हो, तो मैं उनको फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए और गाइडेंस देने के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी हूँ। सो आप मुझे DM करो, फॉलो करो। एंड हाँ, दूसरी बात कि मेरा यूट्यूब चैनल है माई प्रोटीगो करके, ठीक है, आप वहाँ पे जाके ट्रेनिंग एंड बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं जो आप देख सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि हम जो एथलीट्स हैं कैसे, कितनी हमारी क्या जर्नी होती है, कितनी कितनी मुश्किलों से हम कितने ऊपर आते हैं, आप उस यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। डाइट, फ्री डाइट चार्ट एंड वर्कआउट प्लान्स, ट्रेनिंग, आप सब चीज़ देख सकते हो। आप माई प्रोटीगो करके एक यूट्यूब चैनल है, आप उसे जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें, उसमें काफ़ी सारी आपके लिए काफ़ी सारी नॉलेज है, उसे गेन करें।